हम इस समय हर्षविहार वार्ड के अंदर और यहाँ पर प्रदीप निर्मल साहब के ऑफिस के अंदर यहाँ पर देखने में आ रहा है कि वही तरीके से जैसे पहले कार्य हो रहा था, किसी को राशन कार्ड में दिक्कत आ रही हो, आधार कार्ड बनवाना हो या पहचान पत्र बनवाना हो, लगातार यहाँ मेला लगा हुआ है। हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। निर्मल साहब क्या कहना चाहेंगे, लगातार पब्लिक का जो जन सुनवाई है, मैं ये कहूँगा बेसिकली, वो यहाँ पर जारी है। देखिए, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, एक ही चीज़ को लेकर बनी है कि हमने देश का भ्रष्टाचार खत्म करना है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। आज हम यहाँ 2013 से एक ऑफिस बनाकर बैठे हैं और यहाँ रेगुलर जनता का काम होता है, डिपेंड कोई चुनाव पे नहीं करता है या डिपेंड किसी चीज़ पे नहीं करता है। यहाँ जब मन में लोगों की सेवा करने का भाव होता है तो हमने सेवा करनी है, चाहे चुनाव टल जाए चाहे चुनाव हो, जो हमारा काम करने का है, हम जनता की सेवा में यहाँ राशन कार्ड बनवा रहे हैं, वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, आधार कार्ड में कोई भी चेंजिंग है वो सब कराते हैं, या लेबर कार्ड हो, कोई भी समस्या किसी भी जनता की किसी प्रकार की हो, वो सारी समस्याएं बैठ करके हम यहाँ हल करते हैं। निर्मल साहब, जब से चुनाव का सुना है कि चुनाव थोड़ा आगे सरक गए हैं, कईयों के तो कार्यालय बंद हो गए, मगर यहाँ प्रॉपर रूप से कार्यालय खुला हुआ है और लोगों का काम हो रहा है। देखिए, कार्यालय उन लोगों के बंद होते हैं जो चुनाव के देखते हुए टिकट लेने के लिए आए थे या चुनाव लड़ने के लिए आए थे, उनके कार्यालय बंद होते हैं। यहाँ सिर्फ समाज सेवा के लिए कार्यालय खुला हुआ था, खुला रहेगा और हमेशा चलेगा। ये हमने समाज सेवा करनी है, चुनाव की बात है, चुनाव टले हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस काम पर। निगम तीन में से एक करने का विचार जो कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी चुनावों से बचना चाहती है, चुनावों से भागना चाहती है, उनको बहाना चाहिए कि तीन निगम में काम नहीं हो पा रहा था। तीन निगम कब के हो रखे थे, 7 साल से आप केंद्र में बैठे हैं, 15 साल से हैं एमसीडी में बैठे हैं, तो आपको पहले सोच लेना चाहिए था कि तीन निगम से काम नहीं, एक निगम में काम होना है, तो पहले से आप करके तैयारी रखते। आज जब चुनाव का समय आया तो उनको दिख रहा था कि हम हार रहे हैं और हम जीत नहीं सकते, तो उन्होंने बहाना लिया। हार जीत तो बाद में होती जब चुनाव होता। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव का खर्चा बचाना चाह रही है, क्योंकि 5-3 निगम होते हैं, 3 मेयर, 3 स्टैंडिंग, 3-3 ऑफिस चलाना मुश्किल हो रहा था, एक की कर रही है, ये तो, कोई तो आम आदमी पार्टी कोई खर्चा नहीं जी। एमसीडी के अंदर इतना टैक्स आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3 निगम के खर्चों से और 1 निगम के खर्चे से। सिर्फ उन्होंने 2 सर्वे कराए हैं, एक पहले सर्वे कराया था तो भाजपा पूरी तरह से हार रही थी, 250+ सीट आम आदमी पार्टी की आ रही थी, उसके बाद उसने रोटेशन करा दिया भाजपा ने, भाजपा रोटेशन कराने के बाद फिर सर्वे कराया तो फिर भाजपा हार रही थी। उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ उन्हें चुनाव टालना बहाना है, 1 साल लगे 1.5 साल लगे उनको, 1-2 साल चुनाव को आगे बढ़ाना है और इस एमसीडी को अपने अंडर में चलाना है, केंद्र के अंडर करके वो अपना शासन करेंगे, 1.5 साल जो कर पाएंगे उनका ये बहाना है। निर्मल साहब, 3 में आम आदमी पार्टी आ रही थी, अगर 1 कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी नहीं आ रही, क्यों नहीं आएगी? ये चुनाव कितना ही भगा लें आप, कितना ही बच लो चुनाव से, दिल्ली के अंदर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। ये कितना ही बच लें, चुनाव डाल सकते हैं, अपनी हार को नहीं डाल सकते ये लोग, इनको हार नहीं है, ये कभी भी करा लें चुनाव, आज करा लें, 4 महीने बाद करा लें, 1 साल बाद करा लें, इनको हार नहीं हारना है निगम में। कैसे हार जाएंगे, कश्मीर फाइल देखने के बाद में दिल्ली के अंदर आप लोगों ने टैक्स फ्री नहीं करा है? टैक्स फ्री, देखिए टैक्स फ्री करने से क्या होता है, टैक्स फ्री हम कहते हैं कि केजरीवाल जी ने भी कहा कि आपको टैक्स फ्री करके यदि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का मन है तो आप यूट्यूब पर डाल दो, सब फ्री में देख लेंगे। फिल्म के पोस्टर लगाने से जनता का भला हो जाएगा। निर्मल साहब, आप लोग क्यों फिर विज्ञापन देते हैं बड़ी मीडिया के अंदर, सीधा यूट्यूब फेसबुक पे डाल दो? नहीं, हम ये कहते हैं बंद करो ये शब्दार्थ विज्ञापन एजेंसी जो आपके पास, जो सरकारी काम का विज्ञापन से काम चलेगा वो विज्ञापन देना पड़ेगा। ये राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं है कि किसी फिल्म का हम प्रमोशन करें या फिल्म के पोस्टर लगाएं, ये राजनीति कर रहे हो आप। कश्मीरी पंडितों को आप इंसाफ दिलाना चाहते हो तो उनके घर बसवाइए ना, उनके लिए जाके लड़ाई लड़िए, उनके फिल्म में दिखा के उनकी मजाक उड़ाना ये क्या है, या उनके पोस्टर लगवाना क्या है, ये फिल्म पे राजनीति करना, देश को इमोशनल करना या उस पे वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से काम रहा है। कभी भी भारतीय फ्री में तो फ्री में तो वोट आम आदमी पार्टी ने भी ले लिए जनता से। कौन सी फ्री में ले लिए? बिजली फ्री, पानी फ्री। क्या फ्री में कैसे कहेंगे बिजली फ्री, क्या मतलब आप यही तो गलत अर्थ निकालते हैं।
बिजली फ्री का मतलब है जनता का जितना टैक्स में पैसा आया है दिल्ली के विकास कार्य में पैसा लगाने के बावजूद जो बचता है जनता को दिया जा रहा है, जनता का पैसा जनता को देना क्या फ्री है। आज दिल्ली में जो विकास हो रहा है, दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से 76,000 करोड़ है, आज 75,800 करोड़ का बजट है। दिल्ली के बजट को दोगुना तिगुना कर दिया गया, उसके बावजूद भी दिल्ली में जनता के लिए फ्री में बिजली दी जाती है, पानी दिया जाता है, यात्राएं फ्री दी जाती हैं, तीर्थ यात्राएं चला रही हैं, सब DTC में महिलाएं फ्री हैं, पेंशन नहीं मिलती, वेतन नहीं मिलता, किसका नहीं मिल रहा, सबका मिल रहा, बुजुर्गों की पेंशन, सब पेंशनें आगे पीछे होती है सबकी आ रही हैं। पिछली बार रुकी थी 3-3 महीने की, सबकी पेंशन मिल गई है, अब 2 महीने से आ रही है, सबकी मिल जाएंगी। सिविल डिफेंस की बात करें तो भर्ती तो निकाल ली लेकिन वेतन नहीं मिल पा रहा 3-3 महीने, वेतन सबको मिलता है। सिविल डिफेंस वालों से आज बात करो, हमारी अभी परसों बात हुई है, उनको वेतन आने शुरू हो गए हैं। देखिए सब मिलता है, ये विपक्ष बनाने से कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल को घेरने का कार्य कर रही है जगह जगह। अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी जिंदगी में नहीं घेर पाएगी, सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, जो काम की लड़ाई लड़ते हैं, जो विकास की लड़ाई लड़ते हैं। विकास करने वाले व्यक्ति को, सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को कोई कभी भी नहीं घेर सकता। भाजपा सिर्फ अरविंद केजरीवाल से बचना चाहती है और बच के भाग रही है। भाजपा अगर भाग रही है तो आम आदमी पार्टी कहाँ बच पा रही है? 20 लाख नौकरी का जो आपने वादा करा है कहाँ से पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे, उन्होंने एक एक चीज़ को समझाया है, आपने देखा होगा जी। उन्होंने कई कितने फूड हब बनाने हैं, क्या बनाना है जी। सब वही मतलब पकौड़े तलो और काम करो भाई साहब, ये नौकरियाँ हैं। पकौड़े तलवाते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, वो नालियों से गैस निकालते हैं, पकोड़े तलवाते हैं, पढ़ाई करके आओ, डिग्रियां लेके आओ, पकोड़े तलो, वो उनका काम है, दिल्ली की सरकार का काम नहीं है। दिल्ली की सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, चाहे वो डोर स्टेप डिलीवरी का माध्यम से हो, चाहे सिविल डिफेंस के माध्यम से हो, अन्य बहुत सारी योजनाएं निकालती है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार मिला है, दिल्ली के अंदर रोजगार दिया है। निर्मल साहब, 2 तारीख से रमजान भी शुरू हो रहे हैं और नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, क्या बताइए? क्या मैं अपने भाई बहनों को, क्षेत्रवासियों को सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ कि अपना नवरात्रि है अपना ढंग से मनाएंगे, ये त्यौहार होता है, और रमजान भी मुस्लिम भाइयों से उनके भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अपने रमजानों को सही से मनाएं, और उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं।